रही है, आखिर किस लिए? गिलाम किसी लगे भीख मांगूंगा, नहीं देगा तो रोने से क्या फायदा मिलेगा? जब हमारी सरकार नहीं सुन रही, प्रधान क्या सुनेगा, या विधायक MLA MP DM क्या सुनेगा? दो वक्त की रोटी का इंतजाम ये कर रहे हैं, दो वक्त का रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। इन्हीं से पूछेंगे क्या नाम है इनका, क्या नाम है आपका? राम लखन जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी सर, हमारे पांच कन्याएं हैं, बाप बचपन में मर गया, माँ बेवा थी, हम लोग को जिलाई और खिलाई और उसी से रोजी रोटी चलता आया। मैं पहले संगीत कला में नाचता था और नाचते नाचते ये कांच लगा, हमारा पैर सूखा कैंसर गैंग्रीन का मरीज बन गया, हमें कटवा देना पड़ा। 11.5 अंगुरी है श्रीमान जी महोदय। अच्छा, कैंसर के पीड़ित भी हो चुके थे? जी। और सूखा कैंसर होने के कारण हम यहाँ पीड़ित हो गए कि हमको पैर कटवाना पड़ा। और ये रेलवे डॉक्टर ने बोला कि हम दोनों बोले थे, वो बोला ये इसी दवा से आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अपना जीवन इसी सांप में ऐसी रोजी रोटी से अपने बच्चों को जिला रहा हूँ, खिला रहा हूँ। अच्छा, सरकार की तरफ से कभी आप लोगों के लिए कोई इस तरह की सुविधा आई कि दो वक्त की रोटी का घर बैठे इंतजाम हो सकता है? ना प्रधान दिया ना कोई सरकार दिया श्रीमान जी महोदय। क्या है, जो 10 बिस्से 2 बिस्से 1 बिस्से है वही खतौनी, 2,000 रुपये में क्या हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा? या विकलांग हो 3,000 रुपये में हमारे 5 कन्याओं का ब्याह हो जाएगा? सरकार तो गरीबों के हित के लिए सोचती है कि हमने गरीबों को बहुत दिया, जो इस तरह के लोग गांव को हमने शादी कर दिया भीख टुकड़ा मार करके गांव में से, और आज तक ना प्रधान, ना कोई विधायक, ना जिला पंचायत, ना मुख्यमंत्री कोई भी, या योगी मोदी कोई भी ऐसा ध्यान नहीं दिया कि इस अम्बेडकर जिला में कोई राम लखन सफेरा नाम का है। मैं माता रानी का भक्त हूँ, रामगढ़ रोड जा करके देखिए, सन 2001 के 20 साल से पहले से मैं उस सरपत में हूँ जहाँ लगा करके साइकिल छोड़ लेते थे, पैसे छोड़ लेते थे, तब से मैं वहाँ हूँ। दिन दहाड़े डकैती हो जाती थी श्रीमान जी महोदय, और तब से मैं वहाँ माता रानी को माना था। माता रानी हमारी ये पैर को सुनवाई कर दी, सूखा कैंसर भाग गया, हम जीवित हो गए। अपनी खतौनी में माँ को व्यापित किया, वहाँ बैठा दिया, और मैं छोटा आदमी हूँ क्या कर सकता हूँ, बड़ी महल नहीं बना सकता, छोटी ही महल बना सकता हूँ। वहाँ हमारे 2 कन्याएं और 1 बिब्बी 1 अपुआ हूँ, ईटा गाड़ा से जुड़वा करके करकट रख करके माँ के पास हूँ। एक दामाद बड़ा वाला वो अपने घर रहता है, छोटा दामाद दिल्ली रहता है, अपने घर अपने बच्चों को लेकर के रहता है। छोटी वाली जो उससे है वो जो है मौके पर कॉलोनी हमको मिली थी, 1,20,000 के 10,000 रुपये खा गए, घूस ले लिए जी। आपको भी नहीं छोड़ा गया? नहीं जी श्रीमान जी, 1 पैसे का हमें कोई नहीं किए कि मतलब 1 पैसे इनको इनाम दिया जाए। 10,000 रुपया वो भी ले लिए, 1,10,000 में कौन सी कोठी बना सकते हो? सरकार कहती है भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं पैसा नहीं लिया जाता है। तो कहीं से पैसा नहीं लिया जाता तो क्यों हमसे 10,000 रुपया लिया गया? राम लखन विकलांग से क्यों लिया गया? वो हमको आवास मिला था, विकलांग कोटा से मिला था, हमें 3.5 लाख रुपया मिलना चाहिए था। 1 लाख रुपये 20,000 लिए दिए तो 10,000 रुपया क्यों लिए? पैर की हालत कहाँ तक क्या है आपकी? ये अपने हाथ से पैर बनाया हूँ श्रीमान जी महोदय, अपने बीवी बच्चों में टहल रहा हूँ, और क्या बताऊँ, अगर ये रोजी नहीं होती तो हमारे भी बच्चे रोड पे आ जाते। अब देख लीजिए हमारी दशाएं, 11.5 अंगुरी जोगी अगर मोदी अगर मांगे तत्काल में तो इस भारत में कोई नहीं मिलेगा केवल राम लखन के अलावा, 11.5 अंगुरी का बलि चढ़ाने बदे। लेकिन हमारे बच्चों के लिए दे जाएंगे तो हम बलि भी चढ़ जाएंगे, इतना जिगर है गिन लीजिए। लेकिन आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं आज तक किया, ना हमारे कन्याओं के लिए किया। कितनी रोजी रोटी हो जाती होगी? सोहगुपुर ग्राम सभा में और घोसियाना में और नथुपुर लौदना में ना कोई विकास हुआ, गली गली में कचरा है, बीवी बच्चे तबाह हैं, बारिश हो गई तंग हो जाते हैं, प्रधान के लगे जाते हैं, प्रधान कहता है मैं क्या करूं, उनके लग जाते हैं तो कहता है कि विधायक लगे मैं क्या करूं, प्रधान से जाओ मिलो। ऐसा नहीं होना चाहिए श्रीमान जी महोदय, अपनी यही बात बंद करता हूँ।